दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं नए नए यूट्यूबर से होता है कि वीडियो अपलोड करते हैं, दूसरों का म्यूजिक ऐड करते हैं लेकिन कॉपीराइट दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें हम लोग का कोई हक नहीं होता, इसीलिए उन लोग कॉपीराइट दे देता है। बट हम बताने वाले हैं कि अपने अपने कॉपीराइट को कैसे हटा सकते हो चुटकियों में। वो हम आपको पूरा रियली तरीके से बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इसको मिटाया जाता है, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए। चलिए हम ले जल्दी आपको कैसे हटाते हो प्रोसेस दिखाते हैं। उससे पहले बोलना चाहते हो कि अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि वाइट स्टूडियो होता है ना, वाइट स्टूडियो हम लोग सर्च करेंगे। यूट्यूब स्टूडियो आ गया, बट इसको हम लोग को सर्च करना है। थोड़ा देर बाद ऑन हो गया, उसके बाद हमको पहले वाला जो लिंक है उसको हमको टच करना है, यूट्यूब स्टूडियो बोल के। इसको हम लोग डेस्कटॉप मोड में सेट कर लेना। चलिए पहले ही क्लिक करते, देखिए एक पेज सा ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर रुकिए, हो रहा है लोडिंग। हम लोग इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए मेरा YT स्टूडियो ओपन हो गया, बट मेरा यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम दे दिया मेरा इस वीडियो में, देख सकते हैं इसमें मेरा कॉपीराइट दिया हुआ है। बट हम लोग जाएंगे पहले यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन में को क्लिक करते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे देख सकते हैं मेरा तीन कॉपीराइट दिया है, एक दो तीन, तीन तीन वीडियो मेरा कॉपीराइट दिया हुआ। तो हम पहले वाला वीडियो का कॉपीराइट हटाएंगे, जैसे कि ये हमारा ब्लर इफेक्ट वीडियो कैसे बनाया जाता है, ये वाला वीडियो का हम कॉपीराइट हटाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो को क्लिक करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग से कौन कॉपीराइट लगाया है, सब दे देगा हम लोग के हिसाब से। ये वाला वीडियो में हम लोग कॉपीराइट दिया होता है, यहाँ पे देखिए सी टाइप का लिखा हुआ है कॉपीराइट, यहाँ पे क्लिक करना नीचे वाला में क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मेरा कॉपीराइट कौन दिया है, कैसे दिया, कितना मिनट के लिए, कितना सेकंड के लिए दे, वो भी दे सकते हैं। ये मेरा वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रीतम अमित मिश्रा अनुष्का, ये हमको कॉपीराइट दिया है कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। जो हम पहले क्लिप टू चलाए थे वो कॉपीराइट हमको दे दिया है, सेंट्रल फाउंड ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट फाउंड ड्यूरिंग, इसमें हमको कॉपीराइट दिया है। तब इसको हम कैसे हटाए, या फिर हमको वीडियो डिलीट करना पड़ता है? हम लोग कर देते वीडियो, बट वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, हम एकदम आसान तरीका बताएंगे इसको हटाने के लिए। तो हम लोग बने रहे वीडियो में दिखाते हैं हम लोग, तो इसको हम हटाएंगे कैसे वो हमको पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए कोना में थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार को ऑप्शन होता है, जैसे होता है ना टीम आउट सेगमेंट। इसमें होता है कि आप जिस पोर्शन में, मतलब जो हिसाब से आपको जितना भाग में आपको कॉपीराइट दिया उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एक पर्सन हो गया इसमें, और दूसरा हो गया रिप्लेस सॉन्ग। मतलब रिप्लेस सॉन्ग मतलब कि यूट्यूब में बहुत सारा ऑडियो मिलता है जो बिना कॉपीराइट का होता है, वो आप इसको चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया कि म्यूट सॉन्ग, जैसे कि होता है ना जो जिस सॉन्ग के लिए आपको कॉपीराइट दिया हुआ है उसको आप म्यूट कर सकते हैं। उसमें म्यूट कीजिएगा तो अपना कॉपीराइट तुरंत हट जाएगा, मतलब थोड़ा देर बाद हट जाएगा। ये होगा चार पास, और चौथा नंबर हो गया कि डिस्प्यूट, जो आपको कॉपीराइट दिया हुआ है उसको आप मेल कर सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट क्यों दिया हुआ है और किस लिए दिए हुआ, उसको आप बोल सकते हैं कि कॉपीराइट हटा दीजिए, बट किसे भी। लेकिन हमको उतना झंझट नहीं चाहिए, बट हमको जितना जैसे कि मेरा 10 सेकंड का कॉपीराइट दिया हुआ है इसको हम म्यूट सॉन्ग में कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग पूरा सामने आपको प्रोसेस दिखाएंगे, आपका लाइव दिखा रहे हैं। आप लोग म्यूट सॉन्ग में टच कीजिए जिसमें आप लोग को कॉपीराइट दिया हुआ है, जैसे कि इसमें मेरा दिया है 10 सेकंड में, तो हम 10 9 सेकंड के लिए इसको एंड टाइम दे दे रहे हैं 10 सेकंड, इसे कर देते हैं हम लोग 10 सेकंड, इतना मेरा कॉपीराइट दिया हुआ। तो इसको हम स्टार्ट टाइम यहाँ पे हम लिख देते रहे स्टार्ट, ओके इधर हो गया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं 10 सेकंड के लिए। अब देख सकते हो थोड़ा देर बाद वीडियो कॉपीराइट दिस प्रोसेस लिखा लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस माइट टेक यू विल यू मनी लीव द पेज एंड चेक बैक बैक लेटर। थोड़ा देर बाद हम लोग का चेकिंग हो रहा है, और थोड़ा मतलब पता है ना ऑनलाइन का काम में थोड़ा ये प्रोसेसिंग लगता है, थोड़ा देर रुक जाइए देखते हैं क्या बताता है। इधर मेरा कॉपीराइट क्लेम हट गया, देख सकते हैं आप लोग।
अब हम वीडियो को अपना यूट्यूब में दिखा सकते हैं। एक मिनट, अब मेरा यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, देखते हैं, वीडियोस में जाते हैं। इसके बाद थोड़ा लोडिंग लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए कॉपीराइट क्लेम है अभी, बट एक दो, मतलब क्या बोलते हैं, 2-4 मिनट बाद अपने आप हट जाएगा, तो ऐसे आपका कॉपीराइट हट जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।